हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीएफएन का स्टार्टिंग या स्टॉपिंग कैसे करते हैं जरा बताऊंगा। ये पीएफएन जो है, प्राइमरी एयर फैन बोलते हैं इसको, ये हमारे बीएचएल का 500 मेगावाट यूनिट के लिए है। तो कैसे एक पीएफएन चल रहे हैं, वो चल रहा है तो उसको बंद करना है। जैसा कि बताता चलो कि 500 मेगावाट के लिए दो पीएफएन यूज होते हैं, दोनों 50% कैपेसिटी ईच रहते हैं। तो अगर हमें एक पीएफएन को बंद करना होगा तो एक चीज़ बताता चलूँ कि पीएफएन के ट्रिपिंग से यूनिट को बचाना बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पीए का हेडर प्रेशर रहता है, एक बैलू के नीचे आने से कुछ टाइम डिले के साथ में मिल को सारी मिल्स को पीए परमिट पे ट्रिपिंग जाती है। तो ये फैन का बंद करना बहुत ही क्रिटिकल रहता है। कैसे करते हैं जरा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टॉपिंग वन पीएफएन, एक पीएफएन बंद करना, एक चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, अगर हमारा 500 मेगावाट चल रहा है तो पहले कैसे भी करके हमें लोड को 300 मेगावाट लाना है। 300 मेगावाट लोड ला दिए, उसके बाद हम क्या करना है कि हमें अपना जो कंट्रोल सिस्टम है मशीन को, वो सीएमसी से निकाल लेना है, उसको मैनुअल रख लेना है, और फ्यूल मास्टर जो रहता है उसको मैनुअल ले लीजिए। ठीक है, हमारा सीएमसी ऑफ हो गया है और मशीन हमारी मैनुअल में आ गई है। ठीक है, फ्यूल मास्टर मैनुअल में है। प्रेफरेबली स्टार्टिंग डिवाइस को 100% रखिए और फ्यूल मास्टर से ही आप सारा कंट्रोल करिए बॉयलर को। ओके, थर्ड तीसरा पॉइंट क्या है, जब आगे हमें क्या क्या प्रोटेक्शन है, पी एंड आई, प्रोटेक्शन और इंटरलॉक को निकालना है, बाईपास कराना है बंद कराने से पहले, तो वो क्या रहेगा। पहला रहेगा कि पीएफएन अगर ऑन है और उसका डिस्चार्ज गेट ऑटो ओपन जाएगा। ठीक है, पीएफएन ऑन रहने पे हमेशा डिस्चार्ज गेट को ऑटो बन जाता है, लेकिन हमें पीएफएन को बंद करना है, डिस्चार्ज गेट को ऑपरेटिव कराना है, तो हमें ऑटो ओपन निकलवाना पड़ेगा। ये पीएफएन ऑन ही रहेगा और डिस्चार्ज गेट को जो ऑटो ओपन है उसको हम बाईपास करा लेंगे। दूसरा प्रोटेक्शन जो हमें आउट कराना है वो पीएफएन ऑन एंड डिस्चार्ज गेट क्लोज। ओके, इनकेस अगर बंद करते टाइम पे हमारे डिस्चार्ज गेट क्लोज का फीडबैक आ जाता है, और अगर एक्चुअल में नहीं होता है बंद, तो हमारा पीएफएन ट्रिप कर जाएगा, तो ऐसा हमें परमिशन दिलवा लेना है। ठीक है, थर्ड पीएफएन ऑन एंड डिस्चार्ज गेट क्लोज। ठीक है, वही चीज़ जो परमिशन था वही आपका फैन का ट्रिपिंग बाईपास करानी पड़ेगी। डिस्चार्ज गेट क्लोजिंग पे पीएफएन ऑन का डिस्चार्ज गेट ट्रिपिंग बाईपास करा लीजिए। चौथी चीज़ यूनिट का रन बैक है पीएफएन ट्रिपिंग से, वो हमें डाउन करा लेना है। वेल, कहीं कहीं ये 300 मेगावाट है, कहीं कहीं ये 280 मेगावाट है, कहीं 270 मेगावाट है। तो हम ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें 300 मेगावाट या 270 मेगावाट जो भी है रन बैक को आउट करा लेना है। ठीक है, रन बैक से क्या होता है, पी के रन बैक से मिलकर रन बैक भी आता है। ठीक है, तो पीएम अगर फैन ट्रिप करता है तो पीएफएन में रन बैक दिया है कि केवल 4 मिल से छोड़ देगा नीचे से, और बाकी की टॉप से सारी मिल को आउट कर देगा। यानी एक पीएफएन ट्रिप करने पे हमारी 4 मिल जो नीचे बॉटम की छोड़ के बाकी सबको ट्रिपिंग कमांड जाएगा। ठीक है, तो इन सबको हम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो बाईपास होंगे प्रोटेक्शन इंटरलॉक पीएफएन बंद को बंद करने से पहले। अब हमें क्या करना है, कीप करना है 4 कंजिक्यूटिव मिल। कोशिश करिए कि 4 कंजिक्यूटिव मिल्स रहे, साथ साथ चारों मिल से हमारी कंजिक्यूटिव्स रहे। और अगर हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है, या फिर हमारे पास 3 मिल लगातार है यार एक आउट है, तो हम उन जो रनिंग मिल्स हैं, जो कंजिकेटिव मिल्स हैं, उन पे ऑयल गन का सपोर्ट भी रखेंगे। ठीक है, वैसे 4 मिल में जरूरत नहीं पड़ती है, अगर इनकेस अगर 4 मिल के बाद आपको एक और मिल को ट्रिप करना पड़ा तो उसको बेहतर के लिए आप एक ऑयल गन को ले सकते हैं। इसी एलिवेशन में क्या करना है, ब्लेड पिच को ऑटो से निकाल के मैनुअल लेना है, रिड्यूस करना है ब्लेड पिच को धीमे धीमे, फ्लो करंट पी हेडर प्रेशर को वॉच करते हुए। ठीक है, अब क्या करना है, अदर पीएफएन को देखें वो ऑटो में रहना चाहिए और लोडिंग साथ साथ बढ़नी चाहिए। दूसरे पीएफएन की मोटर करंट जो है वो 211 एम्पियर मैक्स है, रेटेड करंट है, तो उससे हमेशा नीचे रहना चाहिए। ठीक है, तो उस दूसरे करंट को देखना है कि दूसरे का जो हमारा पीएफएन है वो हमारा अब एक ट्रिपिंग लिमिट से डेटी करंट से नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, पी हेडर हमारा सेट पॉइंट को 950 कर लीजिए। नॉर्मली 800 वाटर कॉलम रहता है, आप 950 रखेंगे। ठीक है, आप जब 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 पी एफ एन बंद कर ले उसको नॉर्मल करा के 800 करा लीजिए, लेकिन अभी आप 950 कर रखेंगे, ताकि अप साइड में रखने से क्या होगा कि अगर इनकेस पी हेडर ड्रॉप करता है तब भी हमारे पास एक मार्जिन रहेगा।
अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे पीएफएन, ठीक है, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, जो जिसको ब्लेड पिच, जिस पीएफएन को बंद करना है उसका ब्लेड पिच को धीमी धीमे डाउन करेंगे, मिनिमम लाएंगे, यानी 5% के नीचे लाएंगे तो वैल्यू मिनिमम रहती है। आप 0 ला दीजिए, 2 ला दीजिए, 1 ला दीजिए, 5 के नीचे जो भी वैल्यू है ब्लड पिच हमारी मिनिमम है, उस मिनिमम पोजीशन पे ला के रख छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, देख रहे हैं अगर पी हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर रहा है तो एक क्या करिए, एक मिलोर ट्रिप कर दीजिए, ऑयल गन का सपोर्ट ले लीजिए रनिंग मिल्स के लिए, ठीक है। साथ में एक अब हमें क्या करना है, क्लोज कमांड देना है पीएफएन का डिस्चार्ज गेट को, ठीक है। एज सून एज डिस्चार्ज गेट क्लोजिंग फीडबैक कम्स, स्टॉप करना है पीएफएन, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज गेट क्लोजिंग ध्यान रखना है कंटिन्यूस कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन रखिए आप लोकल ऑपरेटर से कि एक्चुअल बंद हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही हमारा डिस्चार्ज गेट क्लोज होता है हमें पीएफएन को बंद कर देना है। अब इस दौरान ये ध्यान रखना है कि इस दौरान जो बंद करने और डिस्चार्ज गेट बंद होने में कुछ हाइड्रेशन लॉस कर सकता है, पैक फ्लो आ सकता है, तो एक और मिल का हम पॉपअप रेडी रखेंगे ट्रिपिंग के लिए, ठीक है। इन केस अगर हमारा पी हाइड्रॉप तेजी से गिरता है तो सीधा मिल को कमांड, ट्रिपिंग कमांड देंगे, ठीक है। अब बाकी फिर नॉर्मलाइज कर देंगे परमिसिव प्रोटेक्शन आफ्टर दैट, बाकी जो रन बैक और ये सब जो रन बैक पी का पी का ट्रिप रन बैक हो गया, मिल रन बैक को छोड़ के हम बाकी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें वॉच करना है, कीप वॉच ऑन पीएपीएच एयर फ्लू गैस टेम्परेचर ड्यू टू फ्लो इम्बैलेंस। फ्लो इम्बैलेंस हुआ है उसे हमें पीएपीएच का एयर और फ्लू गैस टेम्परेचर है वॉच करना है। उसके बाद हम चौथी मिल लगे पी एफ हाइड्रेशन ओके है तो चौथी से लगे 5 मिल तक दे सकते हैं, लोड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कि हम पीएफएन को कैसे बंद करें। अब मान लो हमारे पास पीएफएन वापस चलाना है, ठीक है, स्टार्टिंग अदर पीएफएन वन इज ऑलरेडी इन सर्विस। क्या करना है, ऑन कमांड दीजिए पीएफएन को, जैसे डिस्चार्ज गेट हमारा डैम्पर खुलना शुरू होता है, क्लोज फीडबैक छोड़ता है, 10% ब्लड पिच को कमांड दीजिए ताकि स्टॉलिंग ना हो, स्टॉलिंग नहीं होगा, रिवर्स फ्लो नहीं होगा, स्टॉलिंग क्या है कि आपका फ्लो रुक जाता है, ठीक है। इस टाइम पे आपका ब्लड प्लेट पे लोडिंग स्टॉल करता है, मतलब रुकने लगता है हमारा जो फैन है रुकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन रोकने के लिए ब्लड पिच को पॉजिटिव कमांड दें, 10% देंगे तो रिवर्स फ्लो भी नहीं होगा, स्टॉलिंग भी नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर स्लोली इंक्रीजिंग ब्लेड पिच, धीमे धीमे ब्लेड पिच को बढ़ाते हुए, ठीक है, दूसरे जो पी एफ एन जो ऑटो में पड़ा है उसका ऑटो में रिडक्शन देखेंगे, दोनों का बैलेंस फ्लो करके पी एफ एन ब्लेड पिच को ऑटो में डाल देंगे और मास्टर हमारा ऑटो में रहेगा। नाव जो हमारी मिल्स हैं उनको वापस सर्विस ला सकते हैं, ऑयल गन्स इन केस ली गई हैं तो उनको आप वहाँ निकाल दीजिए, ठीक है, और उनका फिर हम स्कैनर्स देखते हुए उनको निकाल दीजिए। अब आप लोड को नॉर्मली जैसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाते जाइए, आपका पीएफएन चल चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।